सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और इसके चलते अलग अलग जगह वोटर अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ द्वारका के वेगस मॉल में। यहाँ पर वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए कई जानी मानी हस्तियां आई थीं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर रणबीर सिंह आईएएस, जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली के, आरजे नावेद, कथक डांसर अलकनंदा दास गुप्ता, सुशील कुमार रेसलर जिन्होंने की ओलंपिक में मेडल जीता है, और उसके साथ साथ जसबीर जस्सी की भी परफॉर्मेंस थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि वोटर्स को एनकरेज किया जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए डॉक्टर रणबीर सिंह ने लोगों से अपील की कि वो 8 तारीख को निकलें और जाकर वोट करें। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हर एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद वहां पर लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो 8 तारीख को जाएंगे और अपना वोट करेंगे। राहुल सिंह, जो कि आईएएस हैं और डीओ हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी वहां आए लोगों से अपील की कि वो अपने वोट के साथ साथ ये भी देखें कि परिवार का हर सदस्य और उनके पास पड़ोसी भी जाकर वोट करें। इस कार्यक्रम के दौरान ही सीईओ डॉक्टर रणबीर सिंह ने वहां पर आए कुछ ट्रांसजेंडर्स को, ब्लाइंड वोटर्स को, और उसके साथ साथ ऐसे वोटर्स जो कि पहली बार वोट देने जाने वाले हैं, उनको वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मानित किया। देविका कृष्णन सर, ओके, थैंक यू। प्रणव राजवंशी, तपो चक्रवर्ती, मैंने उनका निकनेम लिया है तपो चक्रवर्ती। ये सभी हमारे यंग वोटर्स की कैटेगरी है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। और आप लोग, थैंक यू, और आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये आखिरी सेरेमनी नहीं है। इसके बाद अभी आप सबके बीच आना बाकी है, आप सबके चहीते जसबीर जस्सी को, वो हमारे साथ यहाँ पर होंगे और आप लाइव उन्हें परफॉर्म करते हुए देखेंगे। वोटर्स दैट वी हैव, इस कार्यक्रम को वेगस मॉल के साथ ऑर्गेनाइज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सौम्या शर्मा, जो कि आईएएस हैं। उन्होंने वहां पर आए दिल्ली के आइकन्स जैसे कि आरजे नवेद, कथक डांसर अलकनंदा दास गुप्ता, रेसलर सुशील कुमार और जसबीर जस्सी ने भी वहां पर सभी लोगों से अपील की कि वो 8 तारीख को जाएं और अपना वोट करें। और आपने बहुत अच्छा लोगों को अवेयरनेस के लिए कि वोट डालने चाहिए, वोट तो वैसे डालने ही चाहिए, अपने तरीके की सरकार चुननी चाहिए और 5 साल फिर उसके बाद आप फिर सोचते हैं कि अच्छा है बुरा है या फिर, पर वोट डालना ही डालना है हमेशा। सो नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका, आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन, एक्सपीरियंस द हीलिंग। हम सब अपने जीवन में देखते हैं और महसूस करते हैं कि बहुत बार ऐसे वक्त आते हैं जब हम सरकार के कामों पे कमियां निकालते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या हम सब लोग वोट डालने जाते हैं? जो लोग वोट देने जाते हैं वो तो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नहीं जाते उनके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि उंगली उठानी है तो ऐसे उठाओ।